तो दोस्तों, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरीके का चार्ट, तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक। तो फाइनली दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बैटरी चार्ट बनाना। बैटरी चार्ट बनाने के लिए दोस्तों हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, अपने पास हमने अपनी हेडिंग दे दी बैटरी चार्ट। तो हम दोस्तों इसको चाहें तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम दोस्तों कर देते हैं मर्ज। तो हमने इसको मर्ज कर दिया। इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है तो थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में हमें अच्छा लगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर दे दिया बैटरी चार्ट, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं और इसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रही बैटरी चार्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पर कैप, यानी कि बैटरी का ऊपर का ढक्कन चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया सपोज देन अपने पास फुल बैटरी, बैटरी कितनी भरी हुई है, एम्प्टी बैटरी, कितनी बैटरी हमारी खाली है। और उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर सपोज देन लास्ट कैप, लास्ट कैप कर दिया दोस्तों। हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट कैप। तो हमने दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें अपने पास तैयार कर ली। बॉक्स को आप दोस्तों ऊपर क्लिक करके बीच में रख के इसको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट कैप लिया है, लास्ट कैप लिया है, इसके बाद फुल बैटरी है और एम्प्टी बैटरी है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर बात आती है कि हमारी बैटरी का जो कैप है उसकी मोटाई कितनी है। हमने कहा 5 की है। उसके बाद बैटरी हमारी कितनी भरी हुई है, हमने कहा सपोज देन 48% भरी हुई है। अब दोस्तों लास्ट का जो कैप है ये भी आपको उतना ही रखना पड़ेगा जितना आपका फर्स्ट कैप है, यानी हमने 5-5 का हमने इसका फर्स्ट और लास्ट कैप दे दिया। हमने इसके बाद कहा है कि बैटरी हमारी 48% भरी हुई है। अब दोस्तों जब 48% बैटरी भरी हुई है तो खाली कितनी है, तो हम इजिकल टू लगाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे जो भी हमारी फुल बैटरी है, यानी उस वाले सेल पे आप क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे तो जितनी भी खाली होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारे पास चार्ट आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें इसके ऊपर एक चार्ट बनाना है। तो हमारे पास जो ये नंबर आ रहे हैं, नंबरों को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे दोस्तों कॉलम, और कॉलम के अंदर ये है यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड थर्ड आ रहा है जहाँ पे 100% स्ट्रेस सिलेंडर लिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों हमारे पास एक चार्ट बन के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो वैल्यू है इनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, जो लाइन्स आ रही हैं इन पर भी क्लिक करके इनको डिलीट कर देंगे, जो पीछे लाइन आ रही है उसको भी डिलीट कर देंगे हम यहाँ से। इसके बाद दोस्तों ये जो नंबर्स आ रहे हैं नंबर्स को हटा देंगे। अब दोस्तों ये जो सिलेंडर हैं चारों अलग अलग आ रहे हैं, चारों सिलेंडरों को हम एक करेंगे। तो ऊपर डिजाइन पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा स्विच रो एंड कॉलम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पूरा का पूरा सिलेंडर हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इसका लुक जो है वो बैटरी की तरह नहीं लग रहा हमें, तो थोड़ा सा हम इसे लंबा करेंगे यहाँ से। तो हम इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। तो हमारी जो बैटरी है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे लंबी सी लग रही है। तो अब दोस्तों इसको हमें सेट करना है, तो हम यहाँ से दोस्तों इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज पर। अब इसको हम दोस्तों यहाँ से ऊपर रख के फॉर्मेट डेटा सीरीज पर रख के हम दोस्तों इसको किधर भी एक तरफ सरका लेते हैं। ऊपर का जो इसका कैप है, अब इसमें आपको कलर देना है, तो हम यहाँ गए फिल पे, सॉलिड पे गए, यहाँ से क्लिक करेंगे, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे या तो सिल्वर लूँगा या यहाँ पे ब्लैक लूँगा। इसके बाद जो नीचे का हिस्सा आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया, फिर से फिल पे गया, सॉलिड पे गया, इन दोनों में एक सा ही कलर रखना है। अब दोस्तों ये वो हिस्सा है जो बैटरी का खाली है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो गया क्योंकि खाली हिस्सा है। अब दोस्तों हम यहाँ फिल पे जाएंगे, हमारी जो बैटरी होती है वो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा ग्रीन कलर में होती है, तो हम यहाँ से ग्रीन कलर दे देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हिस्सा बैटरी का खाली होता है वो हल्का होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम यहाँ से इसको हल्का कर देंगे। इसके बाद जो हिस्सा हमारा भरा हुआ होता है उस पर क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे, सॉलिड पे जाएंगे, इसको हम डार्क ही रखेंगे और इसको हम दोस्तों यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों तो हमारी बैटरी जैसी हमारी लग रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी तिरछी और गिरी हुई सी लग रही है, तो इसको हम सीधा करेंगे। इसके ऊपर फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे 3D रोटेट पर, तो हम यहाँ 3D रोटेट पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन आ रही हैं, तो हम इसकी केवल एक्स डायरेक्शन को जीरो कर देंगे तो हमारी बैटरी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। थोड़ी सी आपको अगर और भी टेढ़ी लग रही हो तो इसके वाई डायरेक्शन को भी आप 10 पर सेट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको सही लगेगा। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से हमारा बैटरी चार्ट बन गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर हमारी बैटरी कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये साइज तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ नंबरिंग नहीं शो हो रही। तो हमें दोस्तों जिस हिस्से पर नंबरिंग शो करनी है उस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे आएगा ऐड डेटा लेवल, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों 48 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों इसके साइज को आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं।
अगर फॉन्ट आपको अच्छा ना लग रहा हो तो आप दोस्तों यहाँ से क्लिक कर फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों तो हमारे सामने एक चार्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये चार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे दोस्तों फुल बैटरी है, इस पर हम दोस्तों क्लिक करेंगे और इसके साइज में थोड़ा नंबर वगैरह चेंज करेंगे। हमने कहा हमारी बैटरी 20% ही भरी हुई है, तो हमने क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक कम हो गया। हम यहाँ थोड़ी और बढ़ाते हैं, हमने कहा सपोज देन नहीं भाई हमारी तो 80% बैटरी भरी हुई है, तो हमने 80 पे क्लिक किया और 20% देखिए खाली हो गई, 80% हमारी भरी हुई आ गई। तो इस तरीके से आप दोस्तों बना सकते हैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बैटरी चार्ट। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम एक बैटरी चार्ट बना सकते हैं।